परेशान है, मजबूर हूँ, घर में वालदा है, वाली साहब है नहीं, बाप का साया नहीं है, बहुत मजबूर हूँ, रोजे से आयो, अच्छा ही लग रहा आपसे मांगते हुए। मैं आपकी हेल्प कर देता हूँ, रोजा है ना आपको, जी रोजा है, इंसानियत के नाते भी मदद कर दे मेरी, मैं आपकी हेल्प करूँ। यही है जी, जितना है मैं आपको दे देती हूँ। आपको बहुत दे बाजी, इस दुनिया में बहुत कम होती है ऐसी लड़की जो किसी की मदद करती है। सुभानअल्लाह 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 सुभानअल्लाह। अस्तग़फ़िरुल्लाह, मैडम किस उलिया में आया हुआ, रमज़ान है, खुदा का खौफ करो, ये तुमने क्या हालत बनाया हुआ अपना। मैं अब मुझे आपकी परमिशन लेनी पड़ेगी यहाँ पे बैठने के लिए। बिल्कुल आपको, मैं पता नहीं बैठी हूँ, आप बिजी हो, मैं लड़की बैठी हूँ, उसके पास बैठ गए तो फिर क्या हो गया, लड़की हो ना, इंसान ही हो ना, जानवर तो नहीं हो आप। तो मैं बैठ, तरीका होता है, ये मेरा तरीका है, ये मेरा तरीका है, ये मैंने अलग से छुपा के रखा हुआ था ये तरीका, ये सिर्फ आपके लिए इस्तेमाल हुआ है। मैं शरीफ ही हूँ, आप बेफिक्र हो जाएं इस चीज से, शैतान की जगह अगर लड़कियाँ बंद हो जाती ना तो हर लड़का हाजी गाजी नमाजी होता। ये जो दीपिका का आप एटीट्यूड दिखा रही है ना, ये फिल्मों में दिखाया करें, ये मेरे सामने ना दिखाएंगे। आपने कभी जिंदगी में किसी की हेल्प की है, किसी गरीब की मदद की है, किसी रोजेदार को आपने अफ्तारी कराई है? मेरी मर्जी, मैं किसी को कराऊं ना कराऊं, मेरी मर्जी ना, मेरी लाइफ है ना, आप कौन होते मुझे बताने वाले? मैं एक इंसानियत के नाते आपको बता रहा हूं। नहीं, हम बताएं ना बताएं। वैसे आजकल नेक लोगों को नेक बातें बताने का जमाना नहीं रहा, अच्छी बातें बताने का जमाना नहीं रहा, इस वजह से आप माइंड कर रहे हैं। लाइफ होती है, उसको एंजॉय करने दो। लाइफ एंजॉय करने के लिए नहीं होती, अपने दूसरों की भी हेल्प की जाती है लाइफ में। मैं आपको अच्छी चीज बता रहा हूँ ना, ना बताएं, मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैंने आपको बोला है, क्या मुझे आए, मुझे देख, आपको देख के मुझे शर्म आ रही है। मैं तो आपको अच्छी राह दिखा रहा था, आप तो उल्टा मेरे गले पड़ गए, मर्जी है भाई आपकी, दिमाग तो आपका पहले से खराब। वालेकुम अस्सलाम, सच में बड़ा परेशान हूँ, मजबूर हूँ, कुछ खाने को मिल सकता है? इतने बड़े हो गए, शर्म नहीं आती, रोजा नहीं रख सकते? यार रोजे रख सकते हैं, लेकिन मजबूरी है ना, अगर आपको कुछ खाने को तो दे दो यार। रमजान का खौफ करो भाई, रोजे रखो, रोजे नमाजें पढ़ो। मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ कि मेरी छोटी सी मजबूरी है, दरअसल मैं हूँ दिहाड़ीदार मजदूर, तो रोज दिहाड़ी मिलती है 500 रुपए की, तो लेके जाता हूँ बीवी बच्चों को सहरी और इफ्तारी करवाता हूँ। 6 दिन हो गए काम कर रहा हूँ, ठेकेदार दिहाड़ी नहीं दे रहा, बोला कल दूंगा कल दूंगा कल दूंगा, उस चक्कर में जेब में पैसे ही नहीं है, ना कुछ खाने को ना पीने को, तो कैसे रखे रोज आप बताएं सर? लाना तो ऐसे ठेकेदार पे जो मजदूर की मजदूरी देने में देर करते हैं जान बुझ के। आप टेंशन नहीं लो, मैं आपका भाई हूँ, आपकी हेल्प कर दूंगा। बड़ी मेहरबानी होगी भाई, काफी सुबह से यहाँ दूर के पास जाओ, उल्टा उल्टी सीधी बातें करके ना भगा देते हैं। मैं आपकी मजबूरी समझ सकता हूँ, ये आप 1000 रुपए रखें, मैं अपने जी अपने बीवी बच्चों के लिए सहरी और अफ्तारी लेकर जाएं, खुश रहें आप। फरिश्तों की तरह नाजिल हुए हैं। नहीं यार, इंसानियत के नाते मैंने आपकी हेल्प की है, मुझे बड़ी खुशी हुई कि आप जैसे अच्छे लोग भी आज यहाँ पे हैं, वरना हर बंदा तो सिर्फ धक्के देने के लिए आया। बिल्कुल, बड़ी मेहरबानी सर, बहुत शुक्रिया, मेहरबानी, अल्लाह आपको और दे, अल्लाह आपको इतनी देर आप रखने की जगह ना। आमीन आमीन। मैं कह रहा था ना, मानता हूँ मेरा तरीका गलत था, लेकिन मेरा दिल साफ था। ये हमें लगता है कि हम लोग गरीबों पे पैसा खर्च करेंगे या अपने वालिदैन पे पैसा खर्च करेंगे तो हमारे पैसे में कमी आ जाएगी, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। मैं तो कहता हूँ उल्टा, हमारा पैसा बढ़ता है इनकी बरकत से। दुनिया में सब कुछ यहीं रह जाना है, पैसा दौलत हर चीज़ यहीं रह जाएगी, काम आएंगी तो सिर्फ गरीबों की दुआएं, अपने माँ बाप की दुआएं काम आएंगी, यही दुआएं चाहिए होती हैं। बिल्कुल, मैं तो चाहता हूँ रात में कोई भूखा ना सोए अगर मेरा बस चले तो, और दुनिया में अगर हर इंसान अच्छा हो जाए ना तो हमारा पाकिस्तान बहुत तरक्की करेगा। पाकिस्तान में एक दूसरे को काटने में लगे हैं,
मैं तो चाहता हूँ आप भी अच्छा काम करें, इस वजह से मैं आपको बता रहा था कि अच्छी राह दिखा रहा हूँ आपको मैं। ये तो मुझे खुशी होगी अगर आप किसी की हेल्प करेंगी तो। मैं आपको यही चीज़ बताने आया था, आप भी हेल्प करें, मैं भी हेल्प करता हूँ। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू, बहुत खुशी हुई मुझे। वैसे आप यहाँ क्या करने आई हैं पार्क में? रमज़ान के दिन है, आप रोज़ा रखें, नमाजें पढ़ें, घर पे सोएं, अफ्तारी बनाएं, सहरी बनाएं, खाएं पिएं, अपने बड़ों के साथ बैठें। आपका क्या काम है पार्क में रमज़ान में आके बैठ? अच्छा अच्छा, वैसे आप रोज़ा रखती हैं? क्यों माशाल्लाह। वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह का शुक्र। आप कैसी हैं? ठीक है भाई, थोड़ी कुछ मदद हो जाएगी, बड़ा परेशान हूँ, रोजे में हूँ, कुछ भी नहीं खाया। ओए होए होए होए, क्या बात है, आजकल हर इंसान परेशान है। बड़ा मजबूर हूँ, घर पे वालदा है, वाली साहब है नहीं, बाप का साया नहीं, बहुत मजबूर हूँ, रोजे से आयो, अच्छा ही लग रहा आपसे मांगते हुए। तो मैं आपकी हेल्प कर देता हूँ, रोजा है ना आपको, इंसानियत के नाते मदद करते मेरी, मैं आपकी हेल्प करूँ। अच्छा आप हेल्प करेंगी? जी बाजी, जजाकल्ला बाजी, अल्लाह पाक आपको बहुत दे बाजी, इस दुनिया में बहुत कम होती है ऐसी लड़कियां जो किसी की मदद करती हैं, बाकी तो सारी खाने पीने वाली लड़कियां होती हैं बाजी। बाजी भाई बहुत शुक्रिया, दिल से शुक्रिया भाई, अल्लाह पाक आपको बहुत दे, अल्लाह पाक आपके कारोबार में इजाफा दे भाई, आमीन आमीन, सारी दुआ किया करें भाई, आमीन। अरे वाह, अगर तुम उनकी, आपने 500 रुपए उसको दिया, अगर तुम 50 रुपए भी उनको देती ना तो मुझे खुशी होती। इंसान अपनी हैसियत के मुताबिक हेल्प कर सकता है किसी की। बहुत खुशी हुई मुझे आपने उनकी हेल्प करी, बहुत अच्छा लगा मुझे। मैं तो दुआएं करूंगा आप पूरा रमज़ान इसी तरह हेल्प करें रोज़ेदारों की, और आप भी रोज़ा रखा करें। रोज़े में जितनी सेहत है ना उतनी किसी चीज़ में नहीं है। ये हमें लगता है कि हम कुछ नहीं खाएंगे हम बीमार हो जाएंगे, ये कुछ भी नहीं होता, इंसान उल्टा सेहतमंद हो जाता है, ये रोज़े की बरकत होती है। इंशाल्लाह ज़रूर, मैं आपके लिए भी दुआएं करूँगा और आप मेरे लिए दुआ करना। वैसे आपको एक बात बताऊँ, मैंने ना वहाँ पे कैमरा लगाया हुआ था, वो देख रहे हैं वो पेड़ के पीछे, मैं चेक कर रहा था आपको, आप इस तरह से किसी की हेल्प करती हैं या नहीं करती, एक्सपेरिमेंट हुआ है आपके साथ है। जी मेरा एक यूट्यूब पे चैनल है प्रैंक प्रॉब्लम के नाम से, अगर आप माइंड ना करें तो मैं ये वीडियो वहाँ यूज़ कर सकता हूँ। कर लें पक्का, दिल से कह रही है ना आप? हाँ, मैंने इसे गूगल गलत काम पूरी किया है। आपने अच्छा काम किया है, इसी वजह से कह रहा हूँ कि ये मैं चाहता हूँ कि हर मुसलमान ये वीडियो देखे और एक मैसेज मिल जाए सबको। कर लें यूज़ कर लें पक्का, कि मुस्कुरा के कहूँगा। ये घर गाड़ी दौलत सब कुछ दुनिया में रह जाएगा।